आप सब एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हे राम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा, हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि पहला का अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया, 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया, दोनों जजमेंट की कॉपियां आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन लेकिन 122 जब पहले ही जो दो जजमेंट महाराष्ट्र और अरुणाचल का जी ने जिक्र किया, तो 122 ही पहले दिखा दे सरकार जो बनाए हैं, मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाएं।